आगे बढ़ेंगे जहां जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर मोहंती ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए और साथ ही स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक मंगल कालिंदी समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नामांकन के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जहाँ सीएम चंपाई सोरेन के साथ सभी दिग्गज मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की झारखंड में जीत होगी और एनडीए का खाता नहीं खुलने देंगे। वहीं समीर महंती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देश के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए कहा कि आज जनता केंद्र से त्रस्त है, इस सरकार से लोगों को मुक्ति दिलानी है। साथ में मंगल कालिंदी हैं, समीर महंती जी हैं। सर क्या कहेंगे आज का दिन में खास है, हो गया? हम क्या करेंगे, जनता कह रहा ना, जनता कहेगा। तो पूरी उम्मीद है जनता का साथ है। बिल्कुल, जनता अपना तैयारी से आया है, कोई हम लोग तैयारी नहीं किए, ना मंगल बाबू किया, ना हम किया, ना संजीव किया, जनता अपने ही तैयारी करके चंदा चिट्ठा करके गाड़ी व्यवस्था करके यहाँ पहुँचा। अच्छा, प्रधानमंत्री भी एक तरफ आ रहे हैं, कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को वोट लेने के लिए सोना पड़ रहा, रात जगना पड़ रहा, आप समझ रहे ना, जैसा कोलान से भागा दिए थे हम लोग, उसी तरह से झारखंड से भागा देंगे। जनता का पूरा साथ, जनता का साथ है, पूरी उम्मीद है कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो समर्थन है वो इन्हें मिलेगा और ऐसे में कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है, जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और ऐसे में समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी यहां पहुंचेंगे। चंपाई सोरेन का भी समर्थन जो है वो मिल रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सभी झारखंड प्रदेश में 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीते, क्योंकि पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है हर जगह। 2024 में उसको आज हर जगह से उसको कहीं न हम लोग जीतने नहीं देंगे, ये आप लोगों को संकल्प लेना है। आज जमशेदपुर लोहरदगा भी है, क्या किया है ये लोग, कुछ नहीं किया है, नहीं बता पाएगा भारतीय जनता पार्टी न देश का प्रधानमंत्री, कभी मुद्दा लेके कभी बात नहीं किया है, सिर्फ समाज को बांटने का और एक दूसरे से लड़ने का सिवाय उनका पास कोई ऐसा योजना नहीं रहा, सिर्फ झूठ प्रचार करके ये सब इन लोग किया है। और ये आपकी सरकार जो 2019 में आपने जो आज जनादेश दे दिया है मधुबाबू के नेतृत्व में,